अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे, मैं भी खैरियत से हूँ। तो आज आप लोग देख रहे होंगे कि मैं काफ़ी एक्साइटेड नज़र आ रहा हूँ, क्योंकि आज T20 वर्ल्ड कप का सबसे मज़ेदार और सही टाकरे का मैच होने वाला है, जो कि पाकिस्तान और इंडिया में होता है। तो आज ये मैच होने वाला है और हमजा देखें खाना खा रहा है साथ में, किससे बातों में लगा हुआ है फोन पे। कौन है? फ्रेंड से लगा हुआ है। तो टॉस हो गया है अभी, बस पाकिस्तान ने मैच जीत के फील्डिंग स्टार चूज़ की है। तो आप लोगों ने हमारे साथ रहना और पूरा व्लॉग देखना। तो हम बेशक पूरा व्लॉग पूरा मैच अंदर ना दिखाएं आप लोगों को, लेकिन वे कुछ फर्स्ट शॉट और लास्ट शॉट ये सेम डन होगी कि ये शॉट आप लोगों को दिखाएं हम। तो अभी बस कुछ टाइम रह गया, फिर मैच स्टार्ट हो जाएगा। अभी तो बस वैसे वो लोग लगे हुए हैं टॉस के बाद जो लगे होते हैं, अब बस तब तक मैं खाना खा लूँ और फिर ये देखिए अब ये स्टार्ट हो रहा है। अब ये सारे जाएंगे कौमी तराना पढ़ने, आ गए हैं जाने लगे बस। अब पाकिस्तान का कितना बड़ा झुंड है। गाइस आप लोग कमेंट में बताएं कि इंडिया का कौमी तराना किसने लिखा है। अभी देखते हैं किसने लिखा है। देखिए हम दफाड़ है खड़े होके हंस के रहे हो गाइस? आप लोगों ने जाना है पाकिस्तान का किसने लिखा है कौमी तराना और इंडिया का किसने लिखा है। जी अब टीम्स आ रही हैं और अभी पहली शॉट होने लगी है, जिस तरह मैंने बोला था पहली शॉट दिखाएंगे तो वो ज़रूर दिखाएंगे, इंशाल्लाह। उर्दू में किस तरह लिखा गुड पहली बॉल शहीन शफीदी कराने लगा। शहीन अच्छी बॉल कर रही है।
जो मैं कहता हूँ वही होना होता है। मैंने कहा चौका नहीं होना, चौका नहीं बस ठीक है। मैंने कहा चौका नहीं होना ये शहीन की पिछली विकेट दिखा रहे हैं जो लास्ट T20 में शहीन ने ली थी। ये लोग भी दिखाओ तो थ्री दिखाई ली थी, ये थर्ड बॉल ब्लॉक चले सिक्सर छक्का लग गया। चलो अभी आ जाएंगे, एक एक छक्के से कुछ नहीं होता है ना मजा। इसका आ गया ना मजे का सीन, मोए 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 बारिश शुरू। प्रोग्राम तो पक्का ही बढ़ गया। पाकिस्तान का जब भी मैच होना होता है ना इंडिया के साथ तो बारिश हो जाती है। अभी भी बारिश शुरू हो गई है ठीक है। वो लोग सारे अंदर चले गए हैं ठीक है। तो आप पता नहीं है कब सारे मैच शुरू करते हैं ठीक है। मुझे तो लग रहा अब मैच शुरू नहीं होगा क्योंकि अब पहले भी ऐसे ही था, हर बार ऐसे ही होता है मैच खत्म हो जाता बाद में आधे घंटे तक। तो गाइस अभी मैं नमाज़ पढ़ के आ गया हूँ, तब मैंने टीवी चलाया तो अभी ब्रेक आई हुई है, तो अब देखते हैं क्या मैच के कंडीशन है। बस ब्रेक ख़त्म हो जाए तो देखते हैं। वो हमजा बैठा हुआ है फ़ोन लेके, फिर जितना जब भी देखो फ़ोन लेके बैठा हुआ है। उठो जरा मैच देखो, चलो लग गया मैच, चार आउट। ओ चार आउट हो गए। आज तो लगता है पाकिस्तान ने जीत जाए ना गाइस, इतना अच्छा खेल रही है। उसको लग रहा है उसको वो हो गया क्या कहते हैं डिप्रेशन में। तो वो उनका डिप्रेशन क्या होना है, डिप्रेशन ही वैसे डर रही है प्रेशर में यार, प्रेशर में। हाँ जी ये देखिए पता नहीं कितने ओवर्स हो गए हैं अभी, मैंने आपको चला 4 आउट्स देखे तो मुझे खुशी बड़ी हुई है। इंशाल्लाह आज पाकिस्तान जीत जाएगी, लग तो यही रहा। और 13 ओवर एक गेंद। एक क्वेश्चन है आपका, आपका फेवरेट प्लेयर कौन है? शहीन शाफी बैटर या बॉलर? दोनों पूरी टीम में से। पाकिस्तान की टीम में से है मेरा फेवरेट शहीन अफरीदी। इसको छोड़ो ना फोन को, मेरा ना पाकिस्तान की टीम में है फेवरेट शहीन अफरीदी। बस एक ही बताना आपका, क्या कह रहे हो आपका? मेरा है हारिस रऊफ। हारिस रऊफ मजे का मैच है ना इंशाल्लाह। ये मैच पाकिस्तान शिकस्त इंडिया को शिकस्त मिलेगी इंशाल्लाह। पाकिस्तान देगा शिकस्त इंशाल्लाह। वैसे तो मेरे पास भी शिकस्त है, मैं उनको दे दूंगा। किधर है शिकस्त आपके पास? निकालो पॉकेट में। बस आप शिकस्त लेके घूमते हो, लोग जीत लेके घूमते हैं, आप शिकस्त लेके घूमते हो। इंडिया को लाओ, मुझे भी थोड़ी चीज दो। स्टॉप कर दो गाइस, ये देखिए पाकिस्तानी चीज है, पाकिस्तानी चीटोस सुपर क्रिस्प। आप लोग भी इजरायली प्रोडक्ट्स का बायकॉट करें। आप सबको एक मेरी तरफ से वो पैगाम है, इसराइली प्रोडक्ट्स ख़त्म करें ना अपने घरों में लाएं, अगर आए हैं तो उनको ख़त्म करें और फलस्तीनी प्रोडक्ट्स लाएं ना, फलस्तीनी प्रोडक्ट्स पाकिस्तानी प्रोडक्ट्स लाएं ना, इसराइली लाएं सिर्फ पाकिस्तानी लाएं ठीक है। सबने कमेंट करके बताना कि कौन कौन पाकिस्तानी ले, पाकिस्तानी लेता है वो देखो। 9 बॉल हो गई या पीछे फेट आ गई गाइस, तो देखने सर में कोई छक्का नहीं बजा, बहुत अच्छा हुआ। वैसे इस मान में शकीबो क्यों बंद है ना बैठे बोल ही नहीं गया। आए ओए होए, आए होए ओए होए, आ गई ब्रेक, आ गई ब्रेक। एक आ गया भाई, मैं तो एक बार में बदोबदी कर। तो माशाल्लाह इंडिया के सारे 10 के 10 बंदे आउट हो गए हैं ठीक है। वो देखिए हम सारे पाकिस्तान वाले जा रहे हैं बैटिंग करने के लिए, क्रिकेट मैन और ब्रेक आ गई माशाल्लाह।
India they sent a guy with 2 points. जी तो गाइस देखें अभी ना पाकिस्तान की बैटिंग चली है, आखिरी 4 ओवर रह गए हैं, 4 से भी कम रह गए हैं, 16 पॉइंट, 16 ओवर, 2 गोले हो गए, 1 और आउट हो गया। पाकिस्तान के 5 आउट हो गए हैं, 86 स्कोर हो गए और बस इंशाल्लाह लेकिन जीतेगा उम्मीद अभी है, उम्मीद नहीं आनी चाहिए, बस इंशाल्लाह पाकिस्तान जीतेगा। आप लोग दुआ करें, बाकी अब मैच देखते हैं, आखिरी मैच पूरा मैच अलग जगह पे, जो आखिरी 2 ओवर होते हैं जिनमें दुआएं वगैरह होती हैं वो सारा मैच एक जगह पे, उस मैच का तो अलग ही मज़ा आता था ना। तो एक और चीज़ बड़े मज़े की है, हमजा आ गए थे मैच देखने के लिए और हमजा वो सोया पड़ा, इतने मज़े से पड़ा हो, मैं तो मैच देख रहा हूँ और वो तो सोया हुआ है। तो दुआ करें पाकिस्तान जीत जाए। सही मजे का सीन तब स्टार्ट होता है जब ये बॉल्स और स्कोर है, जैसे कितनी बॉल्स पे इतना स्कोर चाहिए ना, तब सही सीन स्टार्ट होता है, तब दुआएं दिली धड़कन, बड़ा मज़ा उस टाइम पे आता है। बस इंशाल्लाह आज पाकिस्तान मैच जीत जाए ना तो मज़ा ही आ जाए। गाइस क्रिएट पे देखे हैं जो कोते होते बच गया है। गाइस मेरे आपको ज़्यादा को पता चल रहा होगा कि मुझे कितनी शदीद होता है, क्योंकि मेरे पास 2 ओवर रह गए होता तो पूरा देखेंगे इंशाल्लाह पाकिस्तान को जिताएंगे। हम लाभ तो सही मत सोलह बैठा ना कुछ फिक्र ना कुछ होगा। कोई जीत सकता है, लेकिन मैं कहता हूँ 2 छक्के 2 छक्के मारने, 4 ओवर मैच खत्म करें, ऊपर आपको पढ़ाने को कुछ कर दो, किसी और टीम से मैच हो जाएगा, अगर टीम कमी हो जाएगी तो खेल दो बस। बस इंशाल्लाह ये चक्का 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 ओ वैसे नेक्स्ट टाइम जो बैटर है ना उसने ट्राई किया है शॉट मारने का, लेकिन अब बॉल भी इस तरह की थी कि शॉट नहीं मारी। 9 बॉल्स पर 20 स्कोर। बस क्या करें, तो केवल बड़ी गंदी आ रही है, ऊपर से मैच कितने मजे का सुन गया, अभी देखिएगा इंशाल्लाह इंडिया वालों का मन उनका प्रोग्राम भी पड़ेगा। ये बोल रहा है दोबारा और ये चौका शॉट बिल्कुल है, चौका 8 बॉल। मैगन की फील्डिंग क्या नहीं खड़ी की हुई है, मैं तो मुझे भी ऐसा मौका नसीब हो कि मैं इंडिया को हारते हुए देखूँ और पाकिस्तान को जीतते हुए देखूँ। आ रहा हूँ आप सब भी दुआ करेंगे फौरन फौरन नो डाउट यार, मैंने दुआ भी किया है, देखिएगा पाकिस्तान मैच भी जीत जाएगा नो डाउट है। क्या रात और शुक्र है दिन से बुरा हाल हो गया है, आंखें नहीं खोल रही, लेकिन क्या करें मैच देखना तो स्टार्ट से लेकर देखना अब भी देख ही लेते हैं क्या। पढ़ो इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। 1 ओवर पे 18 स्कोर चल गया, देखें कौन आया है, चाचा आउट हो गया, चाचा हो गया, 6 ओवर पर 18 स्कोर चाहिए तो देखते हैं क्या होता है। क्या हुआ अभी, कोई डिसीजन पहले ही लिए हमने,
जो कि इनकी ज़ाया जाएगी, पाकिस्तान का आउट नहीं होगा और फिर पाकिस्तान जीत जाएगी। अगर पाकिस्तान जीत गई ना तो मैं 200 नफर शुक्राने के और 200 ज़्यादा ही हो गया, 2 नफर शुक्राने के, 4 पढ़ लेंगे, चलो 4 पढ़ लेंगे, 4 नफर शुक्राने के, 4 नफर शुक्राने के पढ़ूंगा। और एक और बात है, 4 नफर शुक्राने के तो मैं पढ़ूंगा ना, और आप सब सब्सक्राइब भी करना, लाइक करना, कमेंट करना। ये एज हुआ है तो ये मेरे ख्याल से आउट है। दोबारा पढ़ लो, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। उन्हें एक और आउट हो चुका है जिससे पाकिस्तान आउट रहेगा। इनके खिलाफ इतना चक्के के चक्के मार के एडिंग जिता देगा गाइस। वैसे भी इसमें परेशान होने वाली कोई बात ही नहीं, हम इधर खेल रहे होते हैं, हम इधर रातों को जाग जा के मैच देख रहे होते हैं, वो उधर खेलते हैं हार जाते हैं। जीतो गाइस, पाकिस्तान हार चुका है हमेशा की तरह इंडिया से, तुम जीतो या हारो हमें तुमसे यही उम्मीद थी। तो अभी के लिए इजाज़त दीजिएगा, मिलते हैं अगले व्लॉग में, अल्लाह हाफिज़।